बैठे बैठे को मेरा गदगदी हुई है ये तो नहीं है ये आपके सब सब डाले सब लोग नहीं आप गए कि बच्चा का तालवा टिप टिप करता नहीं आपका संत इसको बोलते अलग अलग समझ दे अलग गदगदी होकर 1800 रुपये खरीद से उड़ूंगा ऐसे और बड़ा आनंद आया थोड़ी देर बाद वो कब गया फिर मैं पहुँच गया और बोले कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे रंजन खंची ऊपर की तरफ और मैं ऐसे ऊपर की तरफ रहूँ एक स्वीट वॉइस आ रही है मेरे ऊपर कहने का इसी का नाम भजन है और इसी का नाम नाम ये 1956 की बात उस वक्त की बात सुधा सिंह अभी आपसे बैठा हूँ इसको टीका बात कर रहा हूँ मैं उस शब्द में अनुभव करते हुए बात कर रहा हूँ सहयोगी हूँ मैं कहना पर छुरी होती है फिर आपको सत्य ने बताऊँ कि सामने सत्य बताओ कैसे बात हुई सही है और इसके पीछे के नीचे मुद्रण को सत्य दिए मैंने तो बड़े मुकुद में हल करे हैं गुरुआ के लड़ाई का आपस में होता रहा मतलब इतनी देर बाद लड़ाई झगड़ा चलता रहा अभी आने के बाद शायद मुक्ति मिलेगी जीवता गुरु आपको अनुभव देगा जब आप सुन लोगे पुष्टि बात तब ठीक ठीक है अच्छा है मन ठीक ठीक है बाहर का गुरु संस्कार देगा उससे काम ठीक है ना तो वो बताएगा कि आप आखिर में वो आएगा और वो नहीं आने से पहले क्या कोई बात फिर होगी अभी बैठे बैठा वो समझ लेता हूँ फिर बैठा तो पता नहीं काम बैठा विचार करता हूँ काम बैठा फिर होश बैठा हो जाता हूँ तो मैं फिर बात क्यों आता हूँ मैंने पता है कारण है मेरे प्रारंभ कर्म तो बाकी पूरा करता हूँ कर्म भोग भोगे मैंने ये जाने सब कोई ज्ञानी भोगे ज्ञान से मेरे कर्म ही से ठीक है ना तो मैं यहाँ पर आया हूँ इनके पास में और आप ये बताने के लिए कि आप लोग कहीं भटकने की जरूरत नहीं सिखा दो दर्शन कर लो इच्छा दिखा दो तो आप में शक्ति शक्ति आप में आपके विश्वास में विश्वास हम कर लो एक जगह विश्वास दिखा दो ठीक है ना और इधर जाने से रास्ता खुल जाए अगर आप सत्य है ना अगर आपको हेरा फेरी लूट कर खत्म होगी तब तो आपको ज्ञान हो जाएगा अगर वो बीच में वो होगा नहीं व्यक्ति वो टाइम मन साफ करने के बाद साफ कर दिल के गुजरे को अंदर बस